बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फ्रेंड खैर खैरियत के साथ होंगे। तो भाई, मेरे आज जो गाड़ी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस गाड़ी को बड़ी मेहनत से और बेहद कोशिश से इस गाड़ी को ढूंढ कर निकाला गया है। तो भाई, मेरे इस कंडीशन की गाड़ी बहुत ही मुश्किल नज़र आती है कराची शहर में। तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। तो चलते हैं, आपको इस गाड़ी की रिव्यू और डिटेल फराहम करते हैं। तो गाड़ी है मज़दा 3500 सिक्स व्हीलर ट्रक, मॉडल 1991, रजिस्ट्रेशन 2007, कराची पोर्ट, और गाड़ी को कराची का नंबर इंस्टॉल्ड है। तो कंडीशन आप भाई स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस गाड़ी की बॉडी भी आप देख सकते हो। तो इस गाड़ी की बॉडी बिल्कुल न्यू बनाई गई है, इंजन गाड़ी का बिल्कुल स्टैंडर्ड है, और बॉडी का कलर भी आप देख सकते हो, साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत कलर गाड़ी पे हुआ है। बॉडी की लंबाई आपको बताता चलूं, तो बॉडी की लंबाई है 17 फिट। तो ये बॉडी का अंदर का फ़र्श आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर गाड़ी के फ़र्श को देखा जाए, तो साफ़ सुथरा इस गाड़ी का फ़र्श नज़र आ रहा है। तो अंदर से आप बॉडी देख सकते हो, कलर हुआ है। तो भाई, अंदर से भी किसी किस्म का बॉडी में कोई काम वगैरह नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये है इसकी बॉडी की अंदर की कंडीशन। अगर गाड़ी को बैक साइड से देखा जाए, तो बैक साइड की कंडीशन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाड़ी का डाला बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर नज़र आ रहा है, और किसी किस्म का कोई काम वगैरह बैक साइड से नज़र नहीं आ रहा है। पीछे की बत्तियां गाड़ी को ओरिजिनल लगी हुई है, तो लिहाजा गाड़ी साइडों से और पीछे बैक साइड से बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी कंडीशन में नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी का अगला टायर आप देख सकते हो, अगले टायर की कंडीशन आपके सामने है। तो भाई, मेरे गाड़ी को 6 के 6 टायर बिल्कुल न्यू इंस्टॉल्ड है, और टायरों में भी किसी किस्म का कोई काम नहीं है। तो ये पीछे की जोड़ी आपको नज़र आ रही होगी, पीछे की जोड़ी आप देख सकते हो, दोनों जोड़ियाँ क्लियर नज़र आ रही है, हिस्सा गाड़ी का क्लियर है, बैटरी फिट है। तो गाड़ी नीचे से भी साफ़ सुथरी कंडीशन में नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी का दरवाज़ा आप देख सकते हो, अंदर की कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी। तो भाई, मेरे सील भी आप देख सकते हो, तो दोनों दरवाज़ों के सील ओरिजिनल लगे हुए हैं, और कोई सील डैमेज वगैरह नहीं है। तो केबिन में भी किसी किस्म का कोई काम होने वाला नहीं है, और गाड़ी का केबिन साफ़ सुथरा और अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो ये इंटीरियर भी गाड़ी के आप देख सकते हो, सीट भी आप देख सकते हो, तो साफ़ सुथरे इस गाड़ी के सीट है। तो ये आपको मीटर नज़र आ रहा होगा, तो भाई, मेरे मीटर इसका वर्किंग में है। डैशबोर्ड को अगर देखा जाए, तो गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है, और कुशन का काम ऊपर हुआ है। तो लिहाजा इंटीरियर में भी किसी किस्म का कोई काम वगैरह नज़र में नहीं आ रहा है। तो गाड़ी में किसी किस्म का छोटा या बड़ा काम होने वाला नहीं है, और कंडीशन के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। तो अगर गाड़ी की लोकेशन की मैं बात करूं, तो गाड़ी की लोकेशन है मेरे भाई साइड एरिया कराची। तो साइड एरिया कराची से आप इस गाड़ी को बाय कर सकते हो। तो ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप फिल फॉर डायरेक्ट ओनर से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हो। तो जिस भाई को ज़रूरत हो,
तो आप फोन पर रब्ता कर सकते हो। अगर मैं इस गाड़ी की डिमांड की बात करूं तो भाई मेरे इस गाड़ी की डिमांड ओनर कर रहा है 36 लाख रुपए। तो 36 लाख इस गाड़ी की डिमांड है। तो जिस मेरे भाई को ये गाड़ी पसंद हो और ज़रूरत हो, लेने के मूड में हो, तो ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर।